स्वर्ण पदक विजेता ब्राजील ओलंपिक चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी मूक बधिर आदित्य यादव के सम्मान समारोह का आयोजन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। जिलाधिकारी ने बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव को अंगवस्त्र, बुके व मोमेंटो देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि आदित्य यादव के ऊपर पूरे जनपद को गर्व है। जिस तरह से आदित्य यादव ने अपने परिवार, जनपद तथा पूरे पूर्वांचल का नाम रोशन किया है, उन्होंने सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करते हुए कहा कि स्टेडियम पहले से सुंदर हो गया है, यहां पर कोचों की तैनाती की गई है, सभी खिलाड़ी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें। जिला प्रशासन और शासन निरंतर इसके ऊपर काम कर रहा है। इस अवसर पर पूर्व मेयर सत्या पांडे, उत्तर प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला एवं जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, एक गोल्डन गर्ल आदित्य यादव, एक जोरदार तारीफ से उनका स्वागत किया आदित्य यादव का। स्वर्ण पदक दिलाकर बैडमिंटन के 24वें डेक ओलंपिक गेम्स ब्राजील के अंदर जो अभी हुए, भारत ने उसमें भाग लेते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया है। हम ऐसे अवसर पर शुक्ला जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे भी श्री पुष्पदंत जैन साहब क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष और उसकी संघ के अध्यक्ष जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्री नीरज सिंह जी, श्री नीरज सिंह उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के खेल अध्यक्ष, हॉकी इंडिया के आप जो हमारे जिम्नास्टिक के सेक्रेटरी हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। मंच पर आसीन सभी खड़ी का मनोबल बढ़ाते हुए उनको बुके प्रदान करते हुए श्री हरि सिंह जी, बच्ची की बहुत फेवर इच्छा थी कि जिलाधिकारी महोदय उनको सम्मानित करें, और डीए साहब को बता दूं कि जब बच्ची जा रही थी, मुझे स्पेशल रूप से कहा कि बच्ची को बुला के स्टेडियम, डीएम साहब ने अपनी ब्लेसिंग दी थी कि बच्ची अगर स्वर्ण पदक लाती है तो स्टेडियम में उसको भव्य स्वागत किया जाएगा। आज खिलाड़ियों के बीच इन सारे खिलाड़ियों को जो बच्ची आई है, एक जोरदार तारीफ, बच्ची का किट खरीदने के लिए इस प्रकार मेडल लेके आए। हमारे गणमान्य अतिथिगण, सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी खिलाड़ियों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनको इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे अहम बात, आज हमारे बीच आदित्य को पाकर हम लोग बहुत बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे जनपद का नाम रोशन करने के लिए, आपकी कड़ी मेहनत के लिए, आपके परिश्रम के लिए हम तहे दिल से नमन करते हैं। और आपको एक इससे भी आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा कीर्तिमान हासिल करने के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग ऑन। हम सब आपके साथ हैं, पूरा जिला, पूरा प्रशासन, शासन प्रशासन, माननीय जनप्रतिनिधिगण सभी आपके साथ हैं। आपने एक खेल की संस्कृति को एक और नया आयाम पूरकपुर को दिया है। खेल बहुत ही वैल्यूटल होता है, जब खेलते हैं तो आपस में जो आत्मीयता बनती है, जो भावना बनती है, जो संकल्प बनता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। मैं इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया में एक चीज़ जो मैंने बहुत कुछ सीखी है, दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, जिन्होंने फुटबॉल खेला है और जिन्होंने फुटबॉल नहीं खेला है, दो ही तरह के लोग हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस टूर्नामेंट के लिए। खूब मन लगा के खेलिएगा, आगे बढ़िएगा और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत माननीय विधायक जी, सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि खिलाड़ियों को मना बुला लेंगे। सबसे ज्यादा प्राइज बीच में दिए जाते हैं फुटबॉल के अंदर, कैश अवार्ड, कैश ट्रॉफियां, उससे उन्हीं के ये ट्रॉफियां वो लेंगे और निश्चित रूप से उस टीम का एक अचीवमेंट होगा। भजन सम्राट श्री नंद मिश्रा जी हमारे बहुत ही अच्छे एक खिलाड़ी और एक भजन सम्राट। आज रीजनल स्टेडियम में माननीय जिलाधिकारी जी के द्वारा जो आदित्य यादव, जो हमारी पूर्वांचल की प्रतिभा इस पायदान में काम करके देश में नाम कर रही है, इसके लिए उसे सम्मानित किया गया है। और
उसको हृदय से बधाई और कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और यहाँ के क्या संदेश देना चाहेंगे? और हमारे बच्चे इस कार्यक्रम के द्वारा, इसके द्वारा और प्रतिभा आए और हमारे बच्चे और आगे जाएं, जो पूरे देश में नाम करें, जिससे हमारे पूर्वांचल, हमारे गोरखपुर का नाम हो। आदित्य यादव पे हम सबको गर्व है, हमारे पूरे जनपद को गर्व है, हमारे सभी खिलाड़ियों का हौसला वर्धन उसके इस अचीवमेंट की वजह से हुआ है। मैं आपके माध्यम से गोरखपुर जनपद के सभी प्रतिभाशाली हमारे खिलाड़ी युवक युवतियों को अनुरोध करूँगा, स्टेडियम अभी हमारे काफ़ी सुदृढ़ हो गया है, यहाँ पर बहुत अच्छे कोचेस की तैनाती हुई है, उपकरण हैं, सभी गेम्स में बहुत अच्छे बैचेस चल रहे हैं, बढ़ चढ़कर प्रतिभा करें। जैसे आदित्य ने हमारे जनपद का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का, हमारे पूरे पूर्वांचल का नाम रोशन किया, वैसे ही और सफलता की कहानी उभर के आनी चाहिए। प्रशासन शासन निरंतर इसके ऊपर काम कर रहा है, सबका सहयोग मिलेगा तो इस तरह की और सफलता की कहानियाँ उभर के आएंगी और आदित्य यादव उभर के आएंगी। ये इसी प्रार्थना के साथ, इसी संकल्प के साथ हम लोग सभी मिलकर काम करें। धन्यवाद।